अच्छा बाबू, आप लोगों के बीच एक ऐसी घटना को प्रस्तुत कर रहा हूं जिस घटना को सुनकर पूरा देश सदमे में आ गया। कैसी वह घटना है? हैदराबाद की हैवानियत को आप लोगों ने सुना होगा, सुनने के बाद रूह कांप गई। और यह कैसेट हरिओम म्यूजिक कंपनी के सौजन्य से मालिक बड़े भैया अभिमन्यु यादव के देखरेख में ये गीत आप लोगों के बीच में भेजत माने। और कैमरा पर हमारे इरफान भाई है, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। चार लाइन भूमिका लिखल गई उन कुकर्मियों के ऊपर, कैसे मास्टर तनि स्वर दे के आ जाओ। कहना है कर्म कुकर्म से कांपती मेदनी, शर्म से झुक गई अवनि अंबर की आंखें, रो रही अस्मिता बेटियों की शिशक कर, जुर्म जंजीर हस्ती दया पर सलाखे, जिस दिन जागा प्रशासन मेरा आँख खोली, खींच लाए गसी भी समंदर के अंदर से, तेरी औकात क्या है बता दे रजाली। राम समुझ भय लाल कोई बचा ना सिकंदर से, तेरी औकात क्या है बता दे रे जालिम, राम समुझ भैया लाल कोई बचाना सिकंदर से। जिस दिन यह प्रशासन अपने आप पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे गुंडे मवाली पता नहीं चलेगा जिनका। कहा गया यहाँ एक लाइन गजल के अंदाज हो, गजल बड़ी पुरान बाप आशिकी अंदाज हो मास्टर, कैसे जियो से मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की कभी गम न देना, कभी गम न देना खुशी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले,
बड़ी सुंदर लाइन कवि जी भाव लिखलन का, आज दशा को देख करके लिखा गया कि गई मरमनोता क्या, अरे गई मरमनोता क्या जग में हमारी, गई मरमनोता क्या जग में हमारी। गई मरमनोता क्या जग में हमारी, जग में हमारी। माली उजाड़े आज, माली उजाड़े आज सजी फूलवारी, माली उजाड़े आज यही से कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कहवा कहे बाबू, शहर का भाव है। सती सावित्री, सती सावित्री अनुसुईया के नगरिया में खेले करतार बालक बन करके अचरिया में। यही वह हिंदुस्तान है, नारी की गरिमा सदा गर्व से हम पूजे हैं, नारी की गरिमा सदा गर्व से हम पूजे हैं। दिखाया आंख जिसने आग में हम भूजे हैं। नागर कर्नूल जिला तेलंगाना साधु नगर, विजयमा श्रीधर का जनजन पे जहां करते कदर। केकर कहानी हो, प्रियंका रेड्डी बहन भव्य दुई दुलारी थी, चहकता गुलशन परिवार की फुलवारी थी। वेटनरी डॉक्टर प्रियंका खुशहाल रही, नई थी नौकरी उम्र भी 20 साल रही। वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अपने माँ बाप के दुलारी बेटी रहले बाबू, दो ही बेटियां थी प्रियंका रेड्डी और भव्या। बाबू परवरिश करत होवन बिटिया इतनी होनहार रहले बाबू। महबूब नगर जिला कोलुरु स्थित वेटनरी अस्पताल की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जब घर से माता पिता का आशीर्वाद लेके निकली तो बहन भव्या रोक लेती है। बोलती है वह भव्या, 27 नवंबर दिन बुधवार का दिन था। का बोलल तरज लग गई मास्टर। तरज बड़ी रंगीन बा मास्टर, कौनो नई नवेली दुल्हन अपना घरे जाए लगल बाबा। आज जब मेहरारू जाए लगल मर्दा देखल लगल रोवे, कहो तू जात हो हम कैसे रह। मेहरारू कहल ए जी घबराई मत, हम जाता नहीं तो जल्दी लवट के आ जाए। मर्द मानत नहीं खे मेहरारू, बतावत रब अपने दिल के बात बतौला, अपने मर्दे के बात बताओ थे। का बतौलस नई हर जाए के हम कैली तैयारिया, नई हर जाए के हम
अचरे से मुहावा, अचरे से मुहावा तो पीके रोवे लगले सैया, अचरे से तो पीके रोवे। इतना तरह जाले बाबू, लेकिन आज वह वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी स्कूटी को लेकर के और घर से ड्यूटी को प्रस्थान कर देती है, जाने की तैयारी कर रही है। तब तक बहन भव्य आया करके बोल रही है, का ड्यूटी जाए का जब कैली तैयारिया, बहिनी के दीदिया, बहिनी के दीदिया देली प्यार के बधैया, बहिनी के दीदिया देली प्यार के बधैया। जा रही हो? हाँ दीदी जा रही हो, तो एक बात सुन लो, समय से जाना और समय से चले आना, जमाना बहुत खराब है। कह रही है ठीक बा दीदी हम जाते ही। वह बड़ी बहन कहती है हमें कुछ असून लगत हो। आज मत जाओ, मत जाओ मेरी बहन, कल चली जाना। समझा रही है लेकिन कहती है वह प्रियंका रेड्डी दीदी ड्यूटी तो ड्यूटी है, जाना होगा। चलो तो अब भव्या कह रही है क्या, अरे बहनी थर थर कापे दहिया लागे अंतिम मुलाकात, ए अंतिम मुलाकात, थर थर कापे दहिया आज ना जा तू बहनी ड्यूटी हमारी बानी जैबू बात, ड्यूटी हमारी बानी जैबू। बगलिया में माई खड़ी है सुनने से सारी बतिया के, माँ जब इस बात को सुनती है नजदीक जाकर के बोली, भव्या क्या कह रही हो, का कलस असगुन बोला ना डाटे लगली महतारिया, छू करके चली देहली भैया, बहिनी के दीदिया, बहिनी के दीदिया देली प्यार के बधैया, बहिनी के दीदिया प्रतिदिन का काम था अपने माई बाबू का अपने बहन का पैर छू करके वह डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जाती थी। ए बाबू प्यार से गले मिलके आशीर्वाद लेके चल देती है। रोज की बात ड्यूटी पूरा कर 5 बजे तोड़पल्ली टोल प्लाजा पर प्रमाण मिला कि गाड़ी खड़ा कर दे और दीदी को फोन लगाई, बोली कि मैं स्किन डॉक्टर को दिखाकर अपनी दवा लेकर के दीदी मैं आ जाऊंगी। समझा रही है भव्या अपने बहन उस डॉक्टर को। भव्या बोली सुबह बोले थे जल्दी आना, बात नहीं मानती हो, ठीक है जल्दी वापस आ जाना। प्रमाण मिला, तोड़पल्ली प्लाजा पर गाड़ी खड़ी कर दवा लेने चली गई। वापस 9:22 पर आई, बहन को फोन कर बताती है कि दीदी
मेरी स्कूटी पंचर हुए। बताया जाता है दोनों 6 मिनट बाद किए थे, यही बात होकर के फोन काट देती है और तब तक कुछ मनचले जो है नजदीक पहुंचे, आपकी गाड़ी खराब है, चलिए मैं आपकी गाड़ी को ठीक करवा देता हूं, आगे एक दुकान पंचर की है उस दुकान पर जाकर मैं बनवा दूंगा। भावुक हो जाती है वह डॉक्टर प्रियंका और गाड़ी को दे देती है। वह मनचले लेकर के उस गाड़ी को जाते हैं दुकान पर। कुछ देर के बाद जब वापस आए, आकर के बोलेगी आपकी गाड़ी तो नहीं ठीक हो पाई, कुछ दूर और जाना होगा हम लोगों को, तब आपकी गाड़ी बनेगी। गाड़ी को लेने के लिए वह डॉक्टर प्रियंका चल देती है। कुछ दूर जब जाती है और तब तक अकेले में पाकर के यह मनचले बोलने लगते हैं, करते क्या है, तरज उहे बजा देलल मास्टर, कौनो लड़की और लड़का के बीच में महाराज प्रेम हो गई, बीच में प्रेम माने दोनों में प्यार हो गई लल, प्यार का मतलब इश्क हो गई लल, इसी का मतलब मोहब्बत हो गई लल, मोहब्बत का मतलब अब तू मोहब्बत लगत है जिंदगी में कबो कर बना कैला, तो मनु बिया के पास फार्म लेके आ लोन पर ले ला उनसे, लड़का लड़की के बीच के बात हो, लड़की का बियाह हो गई ससुरा में चल गई, लड़कवा के पता चलल तो ओ हो तू तो धोखा दे के चल गई, लगल पता लगावे जो पहल की सिम रह वो बंद हो गई लल, पता लगावत लगावत नंबर ऊपर आ लेलस, रात में फोन कैलस, फोन जब उठौलस कल हेलो बोलो कल रे हमार रानी भुला गईलू, समझ गई लड़की की अरे तो वह चबकना बा, उ लड़की कहले रहा अपना वो प्रेमी से कहलस का कहलस, अरे हमारा से मिले खातू ससुरा में आईला, आज जान जाइए पिया जाने ही का तू कैला, हमारा से मिले खाती ससुरा में आईला, जान जाइए पिया जाने ही का तू कैला, ऐसे ना हिम्मत हार के जा आईला तो मुहावा मार के जा पतई पर पानी झार के जा, चारों मंचलों प्रियंका रेड्डी के अकेले में पाकर के, और कैलन का एक नौजवान आगे बढ़ा और दुष्ट कमीना आवाज को दे दिया, सोच रही है कहां लेकर के जा रहे हो, कहा सुना जब आ गई लो तो सुना क्या कहा, अरे चढ़ली जवानी गोरी बड़ी चुलबुली, हाँ गलावा गुलाबी गोरी गर्दन सुरीली, हाँ चढ़ली जवानी गोरी बड़ी चुलबुली, गलावा गुलाबी गोरी गर्दन सुरीली, ऐसे नहीं मत हार के जा आईलू तो मजवा मार के जा हो बनी के जवानी तार के जा, कहाँ जा रही हो, अरे रानी सुनो इतनी खूबसूरत तुम्हारी बदन है, तेरे चेहरे को देख करके मन मुग्ध हो गए हम लोग, जरा एक बार अपने जवानी का पानी चिखा दो, डांट करके वो प्रियंका रेडी करती है, अरे बदतमीज मजाक करते हो छेड़खानी कर रहे हो,
एक भाई बन के तूने वादा किया था मेरी गाड़ी को ठीक कराने के लिए, और आज मुझे वीरान जगह में पा करके मेरे साथ नादानी कर रहा है। का कलस अरे तारा छेड़ खानी जली सुना हमरो भाई, जोहर कटे घर वाप हमरो बाबू माई, हमनी के मुर्चा झाड़ के जा, हमनी के मुर्चा झाड़ के जा, अलू का मजवा मार के जा, के लाचार विवस हुए अबला समझ कर दरिंदे भूखे भेड़िए की तरह प्रियंका रेड्डी पर टूट पड़े, रो रही है, छटपटा रही है, हाथ जोड़ रही है, छोड़ दो भैया मुझे छोड़ दो, हमार माई इंतजार करत बा, हमार दीदिया इंतजार करत बा, हमार बाबू इंतजार करत हवन, छोड़ दो भैया मुझे छोड़ दो। बाहरे वह नीच दरिंदे कमीने एक नहीं उस अबला की सुनते हैं और उस प्रियंका रेडी पर टूट पड़ते हैं। आज जब टूट पड़ लनी बाबू तब भैल का यहाँ एक लाइन तरज बदल गई, उहे दरज बाप जेवन कैला तू सहिया राते, जेवन कैला तू सहिया राते, अब हिले दुखात बाते, अब हिले दुखात बाते, जेवन कैला तू सहिया राते, अब हिले दुखात बाते, धीरी न सोची दूर तनी हटी धरी न हमके पाजा दरा दिया कमारिया टूटता है राजा, उठता है राजा, उठता है राजा। रो रही है और रो करके वह डॉक्टर प्रियंका उन गद्दारों से कह रही आवाज को दे रही है, का कलस जनी कर बिरनवा न दानी, जनी कर बिरनवा न दानी, बात जइबा हो भैया मानी, बात जइबा हो भैया मानी, जनी कर बिरनवा न दानी, बत जइबा हो भैया पानी, फिर जनी सची दूर तनी हटी हड़केले हमरी छतिया इजातिया लूटा जनिए भैया हिमतिया छूटता है भैया, इजातिया लूटा जनिए भैया। इतना ही नहीं बारी बारी से चारों उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, रो रही है, छटपटा रही है, दया की भीख मांग रही है, भैया छोड़ दो, छोड़ दो भैया। लेकिन नादान वह कमीने मानते नहीं है, वह भेड़िए अपने हवस का शिकार उस प्रियंका रेड्डी को बना रहे हैं, कह रही है अब लथपथ हो चुकी है पसीने से, कहती है एक बात का कलस बतमानी बहनिया के, बतमाने बहनिया के, बतमाने बहनिया के, बूझी परसनिया के, बूझी
ले ले नगदी देवर जी कैलन का मन नहीं बतिया लूटे असमतिया देत रह गईली दोहैया लूटे असमतिया देत रह गईली दोहैया जातिया लूटा जनिए भैया जातिया लूटा जनिए भैया छूटता है लाख मना कर रही है लेकिन वह भेड़िए माने नहीं उसकी असमत को लूट लिए तो लिखना पड़ा लाचार विवश व अबला की एक नहीं सुने बदहवास लाचार हालत में छोड़ करके जाने लगे। जब छोड़ के जाए लगल हो तो विरह के शैली में भाव लगल मास्टर कि कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी करुड़ा कांप गई मानवता दे दोहैया यार दोहैया यार दोहैया करुड़ा कांप गई मानवता दे दोहैया कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी मुंह से चीखा रही है बदहवास करा रही है दरिंदे हवस बुझा करके चल दिए कुछ दूर जा करके सोचने लगे आपस में बात करने लगे एक मिला वही में से कलश की अरे यार जिसको हम जिसकी आबरू को लिए और छोड़ करके जा रहे हैं इसको अगर छोड़ करके जा रहे हैं तो यह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ए बाबू आसमगढ़ फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे खेत में करते क्या है यहाँ तरज बड़ी पुरान लगल बड़ा नौकिन का मजा आप लोग ले हला लेकिन बिरहा में जब तक पुराण धुन न हो बिरहा का कोई मतलब नहीं निकलत। स्वर्गीय गुरु 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 रामदेव उस्ताद गीत के गावे कैसे गावे मास्टर किच्चा दावा चादा लिया से प्यार मांगे ला अरे दुलार मांगे ला कि सिंगार मांगे ला आयंग नहिया मैंने भूला अनार मांगे अग नहिया मैंने भूला अचार मांगे ला बुला अनार मां गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे गोरिया रे चारों आपस में बात करत हो दरिंदा का बात करत हो एक कलश में का कलश सुन लो कि जिंदा जो बचिया अरे त जिंदा जो बचिया फसाई दी है हो बजाई दी है हो बुआई दी है अरे त चारो जने के फसिया झूलाई दी है चारो जने के फसिया झूलाई दी है फसिया झूलाई दी बाकी जिंदा जो बची है फसाई दी है बजाई दी है हो बुआई दी है चारों जने के फसिया झूलाई दी है लौट चलो और ये बाबू चारों लौट गए और लौट करके साले बीच कमीना मात्र 600 मीटर की दूरी पर चट्टान पल्ली ले जा करके उस सबला को उस लड़की को
कैला न काए बाबू, देखे तरज बदल गई। कि तड़पे ली जिंदा जर, अरे तड़पे ली जिंदा जर, आग में चिरैया तड़पे ली जिंदा जर, आग में चिरैया आग को लगा दिए पेट्रोल को छिड़क करके। और वह डॉक्टर तड़फड़ा रही है, शरीर उसकी जल रही है, आवाज दे रही है, चीख रही है, पुकार रही है, बचाओ बचाओ की आवाज कर रही है, लेकिन उस सुनसान वीरान स्थान पर कोई सुनने वाला नहीं है। जल जाती है, सांसें रुक जाती है, तो करते क्या है? अधमर उठा के लाश लगौले ठेकनावा, अधमर उठा के लाश लगौले ठेकनावा, और इधर घर की हालत क्या है? इधर घर वाले पहुंचे पुलिस स्टेशनावा, घर वाले पहुंचे पुलिस स्टेशन, तड़फेल जिंदा जरे, तड़फेल जिंदा जरे, आग में चिरैया तड़फेल जिंदा जरे, आग में चिरैया। ए बाबू, भग जाते हैं वह साले नीच कमीना, छोड़ कर की उस डॉक्टर को, और अधमरी लाश वहीं पर पड़ी हुई है। भग गए वहां से। इधर पुलिस स्टेशन में जाकर के उसके परिवार के लोग FIR को लिखाना चाहते हैं, पुलिस बात को टाल देती है। अभी ज्यादा समय तो नहीं हुई, सुबह तक आ जाएगी, जाओ जाओ आराम से घर पर सो जाओ, नींद नहीं आ रही है। बहन भव्या तड़फड़ा रही है, माँ तड़फड़ा रही है, बाबू के चिंता सतावत बा। आज के जमाना में हे बाबू, हमार बेटी सुबह से ड्यूटी पर गई, लेकिन वह भव्या थाने में जाकर के एक बात को जरूर बताती है कि साहब हमारी बहन ने फोन किया था, और फोन पर उसने बताया स्कूटी पंचर है, और दो चार लोग कुछ ऐसे है जो आकर के मदद की बात कर रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है बहन। इस बात को मेरी बहन ने बताया था वह डॉक्टर ने, लेकिन पुलिस के लोग जब नहीं माने घर चले गए। ए बाबू सुबह होता है, इधर देखें कुछ किसान जाते हैं सिवान के तरफ, खेत के तरफ जब गईलन सुबह के बेला में, तो देखल न का आश्चर्य चीज देखल भी अब पापट का भाव लगल। अरे होत बिहनवा खेतवा पहुंचे किसनवा मनवा रोवेला, केहू के जरल नंगा बाटे तनवा मनवा रोवेला, पाए सूचना पुलिस आईली कब्जा में कैली लसिया, श्रीधर बिजम्मा भव्या के रुके नाही असिया, छपल खबरिया पेपर के दरमियानवा मनवा रोवेला,
शर्मसार हो गई ले हिंदुस्तानवा मनवा रोवेला। वोट बियानवा खेतवा पहुंचे किसानवा मनवा रोवेला, केहू के जरल नंगा बाटे तनवा मनवा रोवेला। किसान जब खेत में पहुंचे तो जली हुई लाश, नंगी लाश, आवाक हो गए, रे इस खेत में लाश कैसे आ गई। यह खबर पुलिस को जब मिलती है, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, देख रही है उस लाश को, लेकर के पहुंची, पेपर में छपता है यह खबर। या जब वो परिवार के लोगन के पता चलल हो कि एगो लाश मिलल बा थनवा में आइल बा, चल करके जरा देख ले हमरे दीदिया के लाश तनाना, हमरे बेटी के लाश तनाना बा। रोते हुए वह माँ और वह बाप, वह बहन रोते भागते हुए थाने की ओर पहुंचे। ये बाबू इधर आक्रोश हो जाता है, चार लोगों के दिल दिमाग में आवाज को देने लगे, कैला ना कहा कि जन जन में आक्रोश हुआ, तब हिल गई ले ससनावा हो, दुष्ट कभी ना पाप इनके पकड़ा ये ही छनावा हो, ता दुख में सबके बरसेला नयनवा मनवा रोवेला, करनी पर थूकेला या जानवा मनवा रोवेला। करनी पर थूकेला या जहानवा मनवा रोवेला। चारों तरफ खबर फैल गई, लोगों में आक्रोश हो गया, थाने का घेराव होने लगा, आवाज को देने लगे लोग, दरिंदों को जल्द से जल्द खोजा जाए, फांसी के फंदे पर झुलाया जाए। हे बाबू प्रशासन, प्रशासन सत्ते में आ जाता है, और जब सत्ते में आ गल तब हल्का आल्हा में भाव लगल मास्टर, बारे मार हिंदुस्तान, यही हिंदुस्तान नारियों की कदर किया करता है। इसी हिंदुस्तान में सती सावित्री अनुसुईया जैसी पैदा हुई, इसी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया। आल्हा में भाव लगे भैया कैसे, जवानी नारी से भैले हई बालों के जन्म वाये भैया, युग में आज भैली नारी होला चार, मर्यादा बना के मान भूल गईले भैया, कई जति आया जा घर में उभा, कई से सुनीता कल्प
बनी है ये भैया, कैसे सुनीता कल्पना आरू ई बनी है ये भैया। कैसे लक्ष्मी बाई बन गई है तालावा, अट्ठाईस नवंबर को यह खबर छपती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद दुख दर्द को कलेजे में दबाकर घर परिवार के लोग उस बेटी की अंतिम संस्कार कर देते हैं। होता क्या है, इधर प्रशासन सकते में आकर के और उन पापियों की तलाश करने लगा, और जब तलाश कर लगा तो भलका आधा नंबर दू लगल मास्टर। प्रियंका के हत्यारा पुलिस आया जा खोजे, अरे सख्त ससनावा प्रशासन लचार, भैया लगल सुराग शिवा नवीन मिली गई ने। फकेश बुला रहले फरार, अब देहले नबीस पुलिस पपिया धराइले, भैया यापन गुनाह आजा कहले स्वीकार, अब जगह जगह जनता आवाज हो उठावे, फसिया चढ़ा दा कहे आज परिवार, अरे शासन प्रशासन सजा कवन दे, अब सब ही के भैया बंद आज इंतजार हो सब ही के बंद। अब इस प्रशासन दे रहा है, सरकार सत्ते में आ गई, खोल डालो सालों को जिंदा फांसी पर झुलाया जाएगा। आज प्रशासन खोज रहा है, सुराग मिलने लगा, आरिफ और केसबुल फरार थे और फरारी हालत में घूम रहे हैं, लेकिन इधर प्रशासन जब जगह जगह दबिश को देने लगा तो पकड़े गए। जब पकड़े गए लने बाबू थाने में ले जाकर के जिस समय बंद हुए वह चारों पापी, शासन प्रशासन लग करके और मजबूती के साथ जब पूछने लगे तो सारी बात को वह कबूल कर लेते हैं। डंडा जब पड़ल तो कुल बात बतावे लगलन, इधर जनता में आक्रोश था, पूरे शहर को जाम कर दिया गया, पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया, थाने का घेराव हो गया, जनता घुसना चाहती थी हमारे हवाले कर दो, ऐसे दरिंदे को हम सजा देंगे। पुलिस प्रशासन हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाती है और भीड़ को हटा करके और लेकर के चलते हैं पुलिस प्रशासन के लोग NH 44 पर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लेकर के पहुंचे। घटना स्थल पर जब गई लन वहां के SP, वहां के आला अधिकारी बधाई देना चाहता हूं, अगर ऐसे ही हमारा पुलिस प्रशासन जाग गया तो किसी की मजाल नहीं, किसी बहन के ऊपर किसी बेटी के ऊपर गलत निगाह को दौड़ा दे। कैलन है का खड़ी में भाव लगल मास्टर, यही आवाज आ रही थी कि जैसा के तैसा, जग बोले बोलिया मरले नीच कमीना, सालन के पुलिस हो गोलिया,
जैसा को तैसा जग में बोले बोलिया मरले नीच कमीना सालन के पुलिस हो गोलिया। उसी जगह पर जिस जगह पर वह अपराध किया गया था ले जाकर के इनकाउंटर कर दिया गया। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई तो कि इनकाउंटर कई के लेहले बदला चुकाई शासन प्रशासन पर भरोसा जताई। तपी थप थपाव सब गद गद भैली बोलिया मरल लीच कमीना सालन के पुलिस हो बोलिया। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ये खबर फैलती है चारों तरफ चारों हत्यारों को एनकाउंटर कर दिया गया। बधाई के पात्र हो गए वहां के कप्तान वहां के डीआईजी वहां के शासन प्रशासन के लोग। अगर ऐसे ही तत्काल उन अपराधियों को दंड दिया जाएगा तो एक भय का माहौल होगा और यही होना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर वहां का प्रशासन तमाचा मार रहा है। देख लीजिए अगर ऐसे ही न्याय आप करने लगे तो किसी बहन बेटी की आबरू नीलाम नहीं होगी। कहना है कि दुख न बाटी केहू दुख भूला जा बाबू माई देशवा के लोग तो के धीरा जा बधाई। गम दबा के दिल में खेले फूल कहलिया मरल नीच कभी ना सालन के सीने में गोलिया। चारों पापियों का अंत हुआ बधाइयां दी जा रही है आज पुलिस प्रशासन का। आपने एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला ले लिया बधाई के पात्र हैं आप। वह माँ और बाप को भी सांत्वना मिल गई आज मेरे बेटी का हत्यारा मारे गए। तो आखिरी लाइन में भाव है गुरुघराने का परिचय मास्टर कुसुम पराग देऊ जद्दू गुर भोला पूज्य हमार काशीनाथ सुरेंद्र सन बिरहा की बाग सवार कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी ए भैया कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी राम समुद भैया लाल के सारा धोखा सहैया कन्हैया देखा कलयुग में द्रौपदी।